आफ्टरनून, मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वायरस वर्सेस वाइल्ड पंथर्स के बीच में होने वाला 31st एंड 32nd T10 मैच के बारे में। तो दोस्तों, ये जो दो मैचेस है भारत के टाइम के अनुसार 5 बजे शाम को और एक और मैच है 7 बजे शाम को खेला जाएंगे। अगर स्टेडियम एंड वेन्यू की बात करें दोस्तों, गुचेरी क्रिकेट ग्राउंड अल्बेजेरिया पोर्चुगल में खेला जाएंगे। तो दोस्तों, यहां पर आपको मैं पॉइंट्स टेबल एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर ओआरएस क्रिकेट क्लब की बात करें दोस्तों, दो मैच खेले, दोनों मैच जीत के पहला पोजीशन पे है। और वहीं यहां पर वाइल्ड पंथर्स की बात करें, 4 में से 2 मैच जीते हैं, 2 मैच हार के सेकेंड पोजिशन पर। तो ये जो मैच होगा दोस्तों, फर्स्ट वर्सेज सेकेंड पोजिशन के बीच में होने वाला है। अभी जो मैं टीम बनाऊँगा, ध्यान से सुनिए, स्मॉल लीग, ग्रैंडलिंग, हेड टू हेड और मिनी ग्रैंडलिंग, ये जो सारे फॉर्मेट्स की प्लेयर्स है दोस्तों, सभी को पिक करके प्लेयर्स का स्टैट्स भी आपको मैं दिखाऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, एक्सप्लेन करके एक मेगा ग्रैंडलिंग टीम बनाने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक और काम करना दोस्तों, आपको ना मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक तो ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। अगर बाई मिस्टेक लिंक ओपन नहीं होता तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, @shatrughan225 चेक कीजिएगा। चेक करते आपको मेरे चैनल शो हो जाएगा, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो 1244 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं। एक और प्रोसेस बच जाए दोस्तों, क्रिकेट विद SCB जाके सर्च करेंगे तो मेरे चैनल शो हो जाएगा, जल्दी से फटाफट ज्वाइन कर लेना। क्यों ज्वाइन करना आपको मैं बता दूंगा, यहीं पर आपको मैं लाइव टीम बना के दिखाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, टॉस अनाउंस होने के बाद कभी काल 1-2 प्लेयर मिस होते हैं, तो इस प्रकार आपको जो फाइनल टीम होगा आपको मैं टेलीग्राम पर ही देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, फाइनल टीम आपको यहां पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर जो पहला प्लेयर मैं पिक करूंगा, यहां पर प्लेयर का नाम है फ्रैंको स्टॉमन। अगर इनकी बात करें, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। अगर इनका स्कोर की बात करें, लास्ट 2 मैच में 59 रन बनाए, एक अच्छा ऑलराउंडर है दोस्तों, इनको जरूर टीम में लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं यहाँ पर कृत पटेल। कृत पटेल भी एक इम्पॉर्टेंट ऑलराउंडर है, बैट्समैन है दोस्तों कृत पटेल। तो चलिए कृत पटेल को पिक करते हैं। तो यहाँ पर एक ही मैच खेले, ज़्यादा मैच नहीं खेले, लेकिन अगर लास्ट 12 मैच में बात करें, इनको 8 विकेट मिले, लास्ट 12 मैच में पूरे 8 विकेट मिले दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट पिक रहने वाला, आपको मैं स्टार्टिंग में बताया, ये जो टीम बनेगा मेगा ग्रैंड लीग टीम बनने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोनैट ग्रीन सील्स है। अगर इनका बात करें दोस्तों, यहाँ पर इनका स्टार्ट्स मैं आपको बताऊंगा, 2 मैच खेलें, 2 मैच में 100 रन बनाए दोस्तों। और इनका विकेट्स की बात करें, 2 विकेट हैं। और यहाँ पर आपको पता है ओएरएस टीम ने अभी तक 2 मैच खेले, दोनों में से दोनों मैच जीत के पहला पोजिशन पर। तो जीतने की जो ओएरएस टीम ने जीते, इनका जो मेन रीजन है दोस्तों कोनैट ग्रीन सील्स है, 2 मैच में 100 रन और 2 विकेट है। उसके बाद जो फोर्थ प्लेयर है दोस्तों, यहाँ पर जुनैद खान है। अगर इनका बात करें, एक अच्छे गेंदबाज है, आप इनको जरूर कंफर्म कीजिएगा जुनैद खान को। अगर जुनैद खान की बात करें तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर इनका बात करें, 2 मैच खेले दोस्तों, 2 मैच में इनको 2 विकेट मिला, एक इम्पॉर्टेंट पिक है, आप जरूर कंफर्म कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं ब्रेंडन बैडन होस्ट। अगर इनका बात करें, 2 मैच में 30 रन बनाए ब्रेंडन ने। तो ब्रेंडन की बात करें, आपको यहाँ पर लास्ट में नज़र आ सकते हैं, 2 मैच में पूरे 30 रन बनाए यहाँ पर ब्रेंडन ने। उसके बाद दोस्तों आते हैं मोहम्मद सिराज नेपो, 2 मैच में 11 रन एक ही विकेट है, और ये एक इम्पॉर्टेंट बैट्समैन भी है मोहम्मद सिराज नेपो। तो यहाँ पर अगर इनका बात करें, 2 मैच में 11 रन और इसके साथ साथ 1 विकेट भी है इनके पास। उसके बाद दोस्तों आते हैं पार्थ पटेल। अगर इनका बात करें, एक अच्छे इम्पॉर्टेंट गेंदबाज है, 2 मैच में पूरे इनको 3 विकेट मिले पार्थ पटेल को। उसके बाद दोस्तों आते हैं अरसलन नसीम की बात करें, 2 मैच में 18 रन और 7 विकेट है अरसलन नसीम की। 2 मैच में पूरे 18 रन और यहाँ पर विकेट्स की बात करें, थोड़ा ज़्यादा है, 7 विकेट हैं 2 मैच में। तो यहाँ पर इनका इंपॉर्टेंट पिक है, आप जरूर कंफर्म कीजिए। उसके बाद एक और बैट्समैन है दोस्तों मंजीत सिंह। अगर इनका बात करें तो यहाँ पर 2 मैच में 33 रन बनाए, 2 मैच में 33 रन बना है मंजीत सिंह से। तो दोस्तों यहाँ पर मैं चेंजिंग करने वाला, मंजीत सिंह को नहीं लूँगा, अजहर अंदानी को मैं कंफर्म कर रहा हूँ, क्योंकि एक अच्छे फॉर्म में, इनको जरूर टीम में लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं अखिल वर्गसी की बात करें, एक इम्पॉर्टेंट पिक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अखिल वर्गसी की बात करें, 2 मैच में पूरे 4 विकेट लिए अखिल वर्गसी ने, तो यहाँ पर इनको लेना बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, कृत पटेल ज़्यादा मैचेस नहीं खेले। तो यहाँ पर अरसलन नसीम की बात करें, एक बार देख लेते हैं नसीम की स्टैट्स, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मैच में 18 रन और 7 विकेट हैं। तो यहाँ पर विकेट कीपर में बात करें दोस्तों, यहाँ पर
यश पटेल पे जाइए, आपको बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक गेंदबाज को भी लेना है, तो गेंदबाज में आप देख सकते हो दोस्तों 11.5 क्रेडिट्स अभी भी बचे हैं, तो यहाँ पर एम पटेल को आप यहाँ पर कंफर्म कीजिए। इस मिथुन पटेल की बात करें, 2 मैच में 2 विकेट लिए हैं। अगर यहाँ पर दीक्षित पटेल है दोस्तों, यहाँ पर दीक्षित पटेल की बात करें, इनका भी आपको मैं स्टैट्स दिखा देता हूँ। ऑलराउंडर है दीक्षित पटेल, तो यहाँ पर दीक्षित पटेल आपको स्टार्टिंग में नज़र आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर दीक्षित पटेल ने पूरे 4 मैच में 59 रन बनाए, और इसके साथ साथ 4 मैच में 59 रन और इनका पास 5 विकेट है दीक्षित पटेल की। यहाँ पर आपको फ्रैंको स्टोमैन एक बेस्ट पिक है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल 2 प्लेयर्स मिस हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जे खान को ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, एक टीम तो मेरा बन गया, लेकिन यहाँ पर 5 बैट्समैन ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर क्रूत पटेल ने 12 मैच में 8 विकेट लें, तो फिलहाल इनको मैं अवॉइड करके यहाँ पर दीक्षित पटेल को ले रहा हूँ। 2 मैच में दोस्तों यहाँ पर 4 मैच में 59 रन और इसके साथ साथ इनके पास 5 विकेट है, तो यहाँ पर मेरा टीम बन गया। एक बार प्रीव्यू देखिएगा, यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन में यहाँ पर कोनार्ड ग्रीनसेल सबको बेस्ट ऑप्शन है, और वाइस कैप्टन में दोस्तों यहाँ पर दीक्षित पटेल भी, नहीं तो अजय रंदानी को आप यहाँ पर पिक कर लीजिएगा। एक बार प्रीव्यू को देखिएगा, यहाँ पर विकेट कीपर में एस पटेल है, लेकिन यहाँ पर वाइस कैप्टन में अजय रंदानी, और यहाँ पर कोनार्ड ग्रीनसेल को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया। तो विकेट कीपर में एस पटेल है, और बैट्समैन में दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद सिराज, निपो ए नसीम, अजय रंदानी और यहाँ पर बैंडन हॉस्ट है। उसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर्स में फ्रैंको स्टोमैन, कोनार्ड ग्रीनसेल, दीक्षित पटेल है। उसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में एम पटेल, पी पटेल और यहाँ पर जुनैद खान है। तो यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बात सुन लीजिएगा ध्यान से, जब टॉस होगा दोस्तों, टॉस अनाउंस होने के बाद तुरंत ही लाइनअप अनाउंस होता है। लाइनअप अनाउंस होते ही दोस्तों आपको 5 से 10 मिनट पहले आपको जो फाइनल टीम होगा ना, आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम पे ही दे पाऊंगा। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो मैचेस है दोस्तों उसका भी वीडियो और फाइनल टीम आएगा। तो चलिए दोस्त दिखा देता हूँ, नेक्स्ट जो मैच है उसको मैं कवर करने वाला। तो दोस्तों यहाँ पर PNG का जो मैच ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, ये दूसरा T10 मैच खेला जाएंगे, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में दे चुका हूँ, जल्दी से जाकर देख लीजिएगा। ORS की 2 मैच आपको मैं बता चुका हूँ, 31st एंड 32nd T10 मैच आपको ऑलरेडी मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं 3 मैचेस है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रीम इलेवन स्पाइस इसलिए की, तो यहाँ पर आपको 3 मैचेस में 2 मैच में कवर करूँगा, तीनों मैच नहीं कवर करने वाला। तो यहाँ पर आपको मैं क्लोव चैलेंजर्स और BLB और यहाँ पर AGH वर्सेस DUA, इन दोनों में आपको मैं एक ही मैच कवर करूँगा। उसके बाद जो मैच है दोस्तों यहाँ पर NW वर्सेस SS, इसका वीडियो भी आने वाला, फाइनल टीम भी आएगा। उसके बाद MGM वर्सेस राजकोट टंडर्स की ये मैच आएंगे, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर प्लंकेट चील्स का जो मैच है इसका भी वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार आपको 3 से 4 वीडियो और फाइनल टीम सब कुछ टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए और जो मैचेस की फाइनल टीम होगा। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त करते हुए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। थैंक यू।